इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, टुडे इज माय न्यू रेसिपी शाही पनीर की सब्जी। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये एकदम फ्री है, इससे क्या होगा, आपको जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पनीर लेंगे, ये करीबन 250 ग्राम पनीर है। पनीर को काट लेंगे बराबर एक साइज में। एक पैन लेंगे, पैन में 2 चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गरम करेंगे। तो पनीर को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये हमारा पनीर फ्राई हो चुका है, अभी बनाएंगे ग्रेवी। तो ग्रेवी के लिए टमाटर तो बहुत ही ज़रूरी है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तो चलिए जानते हैं कि शाही पनीर की ग्रेवी कैसे बनाई है मैंने। मैंने ये ग्रेवी पहले भी बताई है दम आलू की रेसिपी में। लहसुन को फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। ये हमारा लहसुन फ्राई हो चुका है, अभी प्याज डाल देंगे और प्याज को भी हमें फ्राई करना है। 1 मिनट के लिए प्याज को भी हम फ्राई करेंगे। अभी मैंने डाला है टमाटर, पानी डाल देंगे 1 ग्लास। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और एक साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर इसकी एक फाइनली ग्रेवी बनाएंगे हम। तो ये ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, जो है वो रेडी हो चुकी है। ये मैंने शाही पनीर मसाला मिक्स लिया है, मैंने यहाँ पर 2 पैकेट मसाला लिया है, क्योंकि मेरा जो पनीर है वो 250 ग्राम पनीर है। अगर 100 ग्राम पनीर की सब्ज़ी बनानी है तो 1 पैकेट मसाले का ही यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 पैकेट मसाले का यूज करूँगी, ऊपर से मैं कोई भी मसाला ऐड नहीं करने वाली हूँ। दोनों पैकेट के मसाले को एक बाउल में डाल लेंगे, हाफ कप पानी मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मसाला जो है हमारा मिक्स हो चुका है और अब इस मसाले को सब्जी में ऐड कर देंगे। गुठलियाँ इसमें नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से मिला लेना है। ये मैंने सब्जी के अंदर डाल दिया है मसाला, अच्छे से मिक्स कर देंगे और एक ढक्कन लगाकर हम सब्जी को 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और पकने देंगे, जब तक कि हमारा तेल जो है ऊपर दिखाई देने लगे। ये देखिए, हमारी सब्जी जो है वो पक रही है, तेल भी छोड़ दिया है सब्जी ने। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास शाही पनीर मसाला मिक्स नहीं हो तो आप अपने घर के मसाले भी इसमें यूज करके शाही पनीर बना सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले मिलेगी।